Guys, welcome to my channel again. So this video is all about home tour again, क्योंकि मैंने recently अपना घर change किया है और मैंने पिछले घर की video जो डाली थी वो आप लोगों ने बहुत 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 पसंद करी थी और जो अब मैंने नया घर लिया तो मैंने सोचा इस घर का tour भी एक बना ही लेते हैं क्योंकि obviously आप सभी बहुत ज़्यादा curious होते हो कि कैसे घर होते हैं यहाँ पे. तो अगर मैं दोनों घर को कंपेयर करूँ तो जो पिछला घर था, हम नए नए आए थे ऑस्ट्रेलिया में, उससे हमें यहाँ की कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था कैसे क्या होता है. तो हमें बस ये था कि कोई अच्छा सा घर मिल जाए जिसमें कि हम रह लें और हमें किस फर्नीचर वगैरह से या घर की जो लुक है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि बस हम ही हम होते थे, हमारे इतने कोई ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे. लेकिन जब हमने अभी नया घर लेना था, घर चेंज करना था, तो हमें बहुत कुछ माइंड में रखना पड़ा. हमारी बहुत सारी नीड्स ऑब्वियसली इंसान की टाइम के साथ बढ़ जाती हैं, तो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंगली कि घर में ये चीज़ें होनी ही चाहिए, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली घर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है. जब आप एक नया घर ढूंढते हो, इतना सामान आपके पास हो जाता है, वो सारा सामान उठा के एक नई जगह पे जाके शिफ्ट करना, बट फाइनली हमारा वो सब कंप्लीट हो गया है. उस टाइम हमें फर्नीचर की इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी हमें बहुत फर्नीचर चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने फर्नीचर भी न्यू बाय किया और अभी हमारा घर ऑलमोस्ट सेट है. तो चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये गली है हमारे घर की जो कि रोड से हमें जोड़ती है और वो छोटा सा लेटर बॉक्स जो कि पिछले घर में कुछ और डिज़ाइन का था, यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन का है. तो ये बाहर का व्यू घर का और रेड ग्रीन और येलो पिंस जिसके बारे में आपको पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ. और हमने कपड़े सूखने डाले हैं इंडियन स्टाइल. इस घर में ओपन गैराज है, क्लोज वाला नहीं है, तो यहीं पर गाड़ियाँ पार्क होती हैं. और चलो फिर घर के अंदर का व्यू देखा जाए. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू हाउस. तो ये हमारा मेन एंट्रेंस एरिया है जिसको कि हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं. और एंटर करते ही सबसे पहले आता है हमारा डाइनिंग एरिया, जिसमें कि ये बहुत ही कूल सा डाइनिंग टेबल जो कि मेरी फ्रेंड बलजीत ने फेसबुक से ढूंढ के दिया था, बहुत ही कूल है. नॉर्मली ये 6 सीटर है, लेकिन हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ से दोनों साइड से और ये 8 सीटर हो जाता है. और इसके ऊपर मैंने ये अभी थोड़े दिन पहले ही सिरके वाले प्याज बनाए थे तो वो रखे हुए हैं. सो देन इसके बाद आती है हमारी किचन, जिसमें कि एज यूजल हमारे 2 फ्रीजर्स हैं. जैसे कि जब ज़्यादा फैमिली रहती हो तो एक फ्रीजर से काम नहीं चलता, बहुत सामान हो जाता है, तो इसलिए 2 फ्रीजर्स हैं. उसके ऊपर अपने बास्केट से नहीं. और ये हमारा किचन है, जैसे कि आप देख रहे हो जो पहला घर था उससे हमारा ये वाला किचन बहुत बड़ा है. इसमें काफ़ी कैबिनेट्स हैं जिसमें कि काफ़ी सामान आ जाता है. और एक इसमें ये अलमीरा भी है बड़ी सी, और किचन में यहाँ पे नॉर्मली गैस जो अटैच होती है और साथ में नीचे अवन होता है किचन में ही. और साथ ही में हमें एक क्या एग्जॉस्ट फैन भी मिल जाता है. तो ये सारा पैकेज हमें घर के अंदर ही मिलता है. और जो बाकी एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे कि माइक्रो और आपका ब्रेड टोस्टर वगैरह, ये हमें खुद से लेके लगाना पड़ता है. किचन के बाद हमारा आता है सीटिंग एरिया जिसको हम बोल सकते हैं. और इसमें हमारे पास सोफ़ास हैं, टीवी है. और सोफ़ा की भी कूल थिंग आपको बता देती हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल सोफ़ाज हैं ये. ये मेरे हस्बैंड ने ढूंढे थे फेसबुक पे से. और ये हमारा वो हमारा मेन एंट्रेंस आपने देख ली जिसको कि हम ना के बराबर यूज़ करते हैं, लेकिन जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एंट्रेंस है ये वाली, जो कि आपने बाहर से हमारी कार पार्क वाला जगह देखा था, तो हम मेनली ये यूज़ करते हैं. क्योंकि कार यहाँ पार्क होती है, सीधा यहीं से एंटर कर लो, वहाँ से कोई नहीं आता, तो इसलिए हमने उसको एक हिसाब का स्टोरी बना के रखा हुआ है. तो ये घर जो है फुली एयर कंडीशनर था, क्योंकि हमें जब हम घर ले रहे थे तो हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट थी कि हमें फुल एयर कंडीशनर ही चाहिए, क्योंकि कौन सेपरेट एसी अपने रूम में लगाए और उससे बिल भी आते हैं, तो एयर कंडीशनर से बिल कम आता है, इतना ज़्यादा नहीं. ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता,
उसके बाद ये हमारा सारा किचन और लिविंग एरिया डाइनिंग एरिया था. उसके बाद इस साइड से हमारे आ जाते हैं रूम्स. सो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको मेरा रूम जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में नहीं दिखाया था और मैं भूल गई थी बनाना. तो ये है मेरा रूम. रूम में वॉक इन स्टैंड इन वट एवर वार्डरोब भी है और जिसमें कि मेरे कुछ सामान पूरा नहीं आता क्योंकि इन लोगों को सिर्फ आता है एक इतना सा रूम बना दिया और उसमें एक पाइप लटका दी और चलो जी लगा लो जहाँ कपड़े लगाने हैं, जबकि इनको थोड़े कैबिनेट्स बनाने चाहिए. इतनी स्पेस दी हुई है एक वार्डरोब में लेकिन फिर भी नहीं बनाते. तो इसमें मैंने खुद से एक चेस्ट घुसाई हुई है ताकि थोड़ा बहुत सामान आ जाए और कपड़े लटकाए हुए हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट इट, नथिंग स्पेशल. और साथ ही में वॉशरूम टॉयलेट प्लस वॉशरूम टाइप का कुछ है. और इसमें सबसे ज्यादा कन्वीनियंट चीज जो है वो है ये शॉवर, जो कि इसको टेलीफोन बूथ पता नहीं क्या ऐसा कुछ नाम से बुलाते हैं. और ये बहुत कन्वीनियंट है आप बैठ के, अगर हम जैसे हमें बैठ के बाल धोने की आदत होती है इसको बैठ के भी हम धो सकते हैं. नॉर्मली वो इसको धोना हो पूरा बहुत इजीली धुल जाता है. बैठ के भी नहा सकते हैं जो कि हमारे इंडियंस को बहुत आदत होती है बैठ के नहाने की. तो ये बहुत कन्वीनियंट है. उसके अलावा बस इसके नीचे भी एक छोटा सा कैबिनेट होता है जिसमें हम सारा सामान अपना रख सकते हैं और थोड़ा बहुत मैंने ऊपर रखा हुआ है. सो ये रहा बाथरूम. उसके अलावा वो जो आप लास्ट मेरा घर था वो 4 bedroom 2 bathroom था. ये 3 bedroom 2 bathroom है. ये 4 bedroom करना भी क्या. तो मेरी फोटो देखी, ये तो आपने मेरी पिछली फोटो में देखा था. इसमें कुछ मैंने और कलाकारी करी है. I'm all around myself. तो ये Now it's time for the second room, जो कि बलजीत एंड भगवंत सिंह जी का रूम है. मेरी मैसी रूम. ये बहुत मैसी रूम है क्योंकि उसका भी कोई दोष नहीं है, वो अभी अभी उठी है और मैंने अभी वीडियो बनाना शुरू कर दिया. मैंने अपना रूम पूरा चमका दिया कि मैं बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड टाइप की लड़की हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ. तो थोड़ा गंद भी देख लेते हैं. तो ये सेकेंड रूम है. जैसे कि आप देख रहे हो काफी अच्छी स्पेस है, दोनों बेड भी आया हुआ है, दोनों साइड बेड से टेबल्स भी हैं. और ये मिस बलजीत जी की कलाकारी. एंड उसको अलमीरा का बहुत शौक है, अलमीरा के बिना नहीं गुजरता उसका. तो अलमीरा उसने फेसबुक मार्केट प्लेस, ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत चलता है फेसबुक मार्केट प्लेस. अब सेकेंड हैंड चीजें बहुत ही अच्छे प्राइस में और बहुत ही अच्छी होती हैं. आप देख रहे हो कुछ डैमेज नहीं, एकदम नई की जैसी है, तो आप खरीद सकते हो उसके लिए. क्या वीडियो बनानी चाहिए गंदा नहीं होता. सो शी इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज पर्सन इन आवर होम बिकॉज उसके पास तो सामान नहीं है. ये बोल के अपने प्लस पॉइंट कर सकते हैं. हर जब हमेशा हम मुझे कहते हैं देख उसका रूम कितना साफ है, मैं कहती हूँ यार उसके पास सामान नहीं है ना, साफ ही रहेगा कहाँ रहेगा. तो ये थर्ड रूम है जो कि हमारे साथ एक लड़की रहती है, हमारी फ्रेंड है किरण, उसका रूम है. सिंगल है वो, तो सेम वार्डरोब एंड ये हमने बाहर से उठाया था. देन इन दोनों रूम्स के साथ ही हमारी एक लॉन्ड्री सेक्शन की अलमीरा, लॉन्ड्री सेक्शन मतलब कुछ भी रख सकते हो. एक अलमीरा आपने देखा होगा, जो पहला घर था मेरे रूम के बाहर एक बहुत बड़ी सी ब्रॉड सी अलमीरा थी जिसमें अपना सारा सामान रख लेती थी. तो बहुत ही मजे से मेरा सारा सामान आता था. वैसी एक अलमीरा यहाँ पे थोड़ी छोटी है और यहाँ पे हमने सारा अपना गुदर माल रखा हुआ है सारा. और ये हमने वैसे मैंने यूज कर ली हुई है पता नहीं. और ये जो हमारा मतलब बाथरूम है, ये जो दोनों रूम्स का बाहर ये कैमरामैन सॉरी वुमैन. एंड दिस इज आवर लॉन्ड्री सेक्शन जहाँ पे हमने अपनी लॉन्ड्री बास्केट और बेसन और
वॉशिंग मशीन या मैं घर पे मतलब इस घर के साथ ही मिली थी और यहीं पे एक हमारा तो ये पीछे की थोड़ी सी स्पेस है जिसको कि हम पता नहीं आई मीन रखने के लिए यूज करते हैं. ये डाइनिंग टेबल हमें घर में ही मिला था जिसके साथ दो ब्रोकन चेयर्स थी और दो अच्छी वाली थी और हमारे गेस्ट वगैरह तो इस पर पूरे आने नहीं वाले थे तो हमने ये निकाला हुआ है. हम कब से कह रहे हैं कंपनी वालों को कि प्लीज ले जाओ लेके भी नहीं जाते तो पड़ा है ठीक है. और ये हमने कुछ चेयर्स रखी हुई हैं ताकि जब हम बाहर पार्टी वगैरह करते हैं तो बाहर के लिए यूज हो जाती हैं. इसके अलावा ये खराब दो पंखे एंड देन हमारा स्टोर रूम. उस घर में एक हमारा जो गैराज था वो पूरा बंद वाला था तो उसके अंदर ही स्टोर होता है पर कुछ घरों में जैसे कि ये वाले घर में ओपन गैराज है तो यहाँ पे स्टोर उधर नहीं है तो स्टोर पीछे की तरफ है. तो यहाँ पे हमने जैसे कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास बहुत सारे एयर बैग्स हैं तो वो हमने सारे यहाँ घुसाए हुए हैं क्योंकि रूम में घुसाएंगे तो और खुद अपने रहने की जगह नहीं मिलेगी. और पता नहीं ये ऑलरेडी पड़ा हुआ सामान हमारा नहीं है पहले का ही था. और ये देखो ग्रेप्स का पेड़ नहीं बेले अभी रहे नहीं हमने खाए भी नहीं थोड़े से खाए थे. तो जैसे कि आपने पहला भी घर देखा था ये वाला घर भी देखा है आपने देख लिया कि कितना डिफरेंस है दोनों घरों में. और जबकि इस घर का प्राइस उस घर से काफ़ी कम है. वो घर जैसे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि आपको ये घर आपने वो वाला घर रेंट पे लिया है या फिर आपका खुद का मतलब खरीदा हुआ है. तो भाई मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ अभी भी स्टूडेंट हूँ कहाँ से खरीदना है तो हम रेंट पे ही रह रहे हैं. उस घर का हमारा था 350 पर वीक और जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस और ये सब जो थे वो अलग से बिल्स भी आते थे तो वीकली हमारा 350 जाता था. ये वाला घर हमारा 335 का है वीकली और इसमें हम चार टेनेंट्स हैं तो अच्छा घर है. अभी सारा सेट आउट हो गया हुआ है वजह से घर चेंज करना इज़ अ हेडेक. बहुत बहुत मुश्किल होती है घर चेंज करने में. तो थैंक यू सो मच लव एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल.